सेकेंड लेग ऑफ द जर्नी और आज हम रुके यहाँ पर. हमने एक वी चोज टू टेक अप अ होम स्टे. बहुत ही कंफर्टेबल होम स्टे है, बिल्कुल नियर टू द मॉल रोड. दोस्तों वैसे लैंसडाउन जैसी जगहें जो हैं ये मतलब आज से 10-15 साल पहले इतनी ज़्यादा कोई इनके बारे में बात नहीं होती थी, लोग जानते भी ज़्यादा नहीं थे. उसका एक कारण ये भी है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बसाई गए कैंटोनमेंट एरियाज़ थे. अब जैसे लैंसडाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लैंसडाउन जो है ये गढ़वाल राइफल्स का कैंटोनमेंट एरिया कहा जाता है. जैसे मैंने एक और ऐसी ही डेस्टिनेशन की अनटच्ड डेस्टिनेशन की बात करी थी जिसका नाम है सपाटू, जो मेरी मेटरनल प्लेस भी है. वो 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है. ऐसे यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स का कैंटोनमेंट है. तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा वेदर है. सुबह का टाइम है इस वक्त, सुबह के 6:30 बजे और मौसम भी अच्छा है. दिल्ली से कंपेयर करें तो यहाँ पर इस वक्त, जैसे आज मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो 12-15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है. तो अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा माल रोड वगैरह दिखाऊंगा और उसके बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अबाउट लैंसडाउन हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा, क्योंकि यहां से आज हमारी ऑनवर्ड जर्नी है हरिद्वार के लिए और फिर हरिद्वार से आगे हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे. जहाँ तक टैरिफ्स वगैरह की बात है तो यहाँ होटल्स वगैरह सब कुछ है, बट हाँ, क्योंकि ये मई जून है और ये लॉन्ग वीकेंड है तो इस वक्त रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, बिल्कुल पीक पे हैं. तो मेरा तो यही सजेशन है, वैसे खाली लैंसडाउन के लिए नहीं, हर हिल स्टेशन पे जहाँ कहीं भी आप लोग जाते हैं तो प्रायर बुकिंग्स वगैरह करके जाएँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक करें. और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जब आप दिल्ली से लैंसडाउन आ रहे हैं तो प्लीज़ ड्राइविंग का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि रास्ता जो है बीच में 20 किलोमीटर का पैच तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. सब बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इज़ आप जितना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो उतना ही कम आपको ट्रैफिक मिलेगा. तो आप लोग, जैसे हम लोग कल निकले थे 4 बजे सुबह, तो 4 बजे के करीब आप लोग हम निकले थे तो 10-10:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए. तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आपसे दोबारा जल्द ही बात करूँगा. फिलहाल हम लोग, क्योंकि कल सुबह हम लोग यहाँ आ गए थे बट कल का दिन बहुत बिजी रहा हमारा, तो ज़्यादा कुछ मैं वीडियोस वगैरह शूट कर नहीं पाया. थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में और दिखाता चलूँगा, बात करता चलूँगा. और अभी थोड़ी देर में हम लोग, क्योंकि यहाँ से चेकआउट आज कर रहे हैं और हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार होते हुए दिल्ली, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बात करेंगे. सो थैंक यू पीपल. और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और जिस तरह का चैनल को आप सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से और जिस पेस पे हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ रहे हैं, रियली नाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. सो थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद मैं फिर आप लोगों से दोबारा से कनेक्ट करूँगा. सो व्यूअर्स, ये है हमारा होम स्टे जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बाहर से बात कर रहा था. इसके अंदर आ गया, हमें 2 रूम्स मिले हैं. है बहुत बेसिक बट ये है कि लग्जरी वाइज आप इसको 4-5 स्टार से ना कंपेयर करें, बट आइए मैं अंदर से आपको एक बार रूम ही दिखा देता हूँ. ठीक है, मैनेजेबल है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है. एक इधर रूम है, एक रूम इधर है और ये बाहर का एरिया अटैच्ड है. ये आप जो कॉर्नर में दिस, ये जो आप देख रहे हैं ये काइंड ऑफ बार बना रखा है बट इट इज़ नॉन ऑपरेशनल. और ये हेलो सैबी, हेलो हेमा, ये लोग बाहर बैठ के अपने, देर एंजॉइंग देर टी बट वी आर अबाउट टू मेक अ मूव. हे सानवी, सो दैट्स हाउ इट इज. हेलो व्यूअर्स, तो हमने अपनी ऑनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स हरिद्वार स्टार्ट कर दी है. एक ये टी स्टॉल पे रुके हैं जो मेन मॉल रोड पे है, जहाँ पर चाय वगैरह पीने का प्रोग्राम है सबका. तो ये हमारी दो पूरी मॉल रोड है इस वक्त, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, अभी 7:05 हैं, तो अभी मार्केट वगैरह खुली नहीं है प्रॉपर. ये जो है मेन मतलब जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ लैंसडाउन एरिया है. उसके अलावा ये इधर अगर आप देखें, ये दिस इज़ ऑल द टैक्सी स्टैंड. यहाँ से यू कैन गेट वेरियस टैक्सीज टू डिफरेंट प्लेसेज, लाइक दिन नियर अबाउट प्लेसेज, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार और वॉट्स एवर. तो यहाँ पे बस चाय पीने का प्रोग्राम है, उसके बाद यहाँ से फिर हम सीधा नॉन स्टॉप जाएंगे हरिद्वार. वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आगे निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली. ये जितना आप देख रहे हैं शांति जो अभी दिख रही है, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, अभी लोग उठे नहीं हैं. अदरवाइज़ यहाँ पर आज जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जगह नहीं है एक भी रूम लेने की लॉन्ग वीकेंड की वजह से. तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि कभी भी ट्रैवल करना हो तो अपनी बुकिंग्स वगैरह कन्फर्म करके आएँ, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी यू नो हैसल्स. ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए लैंसडाउन के लिए, एक शांत और क्वाइट प्लेस है.
आइए थोड़ा सा रिलैक्स करिए और वापस जाइए शहर की एक जो भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, हसल बसल से थोड़ा सा रिलीव लेने के लिए यू कैन कम डाउन एंड स्टे हियर। बस दैट्स अबाउट इट, नथिंग मच। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ये एक कैंटोनमेंट एरिया है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड है जो इस पूरे लैंसडाउन की लुक आफ्टर करता है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मशीनरीज का भी दखल है क्योंकि ये इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड। तो दैट्स प्रीटी मच। देखिए मैं आपको एक बोर्ड भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ भी आएगा। इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ भी है, एक सेकेंड मैं थोड़ा और नज़दीक जाके कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, छावनी परिषद लैंसडाउन। तो छावनी परिषद मतलब वही कैंटोनमेंट बोर्ड। ये एक रास्ता है जो नीचे विलेज को जाता है, जहाँ से मतलब यहाँ के लोकल्स वगैरह उनके घर है। हाँ ऑफकोर्स मार्केट भी है, मार्केट एरिया भी है। जो टैक्सी स्टैंड की मैं बात कर रहा था वो ये टैक्सी स्टैंड है। आपको यहाँ से टैक्सीज वगैरह पूरी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। ये सारा ये जितना एरिया आप देख रहे हैं यहाँ सारा ये, और दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। बाकी आगे चलते हैं, आगे और आपसे मैं बात करूँगा। और सपोर्ट, और मैं डेफिनेटली ये तो ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितना आपने एक नए चैनल को सपोर्ट किया है और जिस तरह कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल एंड कमेंडेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर द एफर्ट जो हम लोग पुट इन करते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं, चाहे वो एडिटिंग हो चाहे वो शूट्स हो। बिकॉज दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, बट देन कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मुझसे अपने ऑफिस टाइम्स के साथ साथ मैं ये भी एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ बना लिया है। सो कैच यू लेटर, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट पार्ट where we will be there in the Haridwar and I will definitely be covering up the onward journey towards Delhi. So stay tuned till then. Thank you. So maine bataya tha we are now proceeding towards our onward journey to Haridwar. So this is my family, choti sister hai, wo hamari taiji hai, aur ye chote brother ki wife hai, aur ye hamari piu hai jo god mein abhi 2 ghante tak iska button off rahega, early morning hours hai. So uske baad phir ye ladki rukti nahi hai, ek bar charge hone ke baad ye mobile na phir charged hi rehta hai. So like I said ke ek tea break ke liye ruke hain. चलते ही रुक गए हैं। सो ताई जी कैसा रहा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। फोर डेज वेरी गुड, मतलब जितनी शहर की हसल बसल है उससे दूर। यस, वेरी रिलैक्स। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा, इनफैक्ट मैंने तो खैर 2 दिन ही स्पेंड करे हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो एक ही पूरा दिन, बाकी ये लोग सब लोग वो मोहित जरा पीछे से आओ। हाय। तो ये जल्दी आ गए थे, प्लान मेरा भी था बट ठीक है, बट आई एंजॉयड माय डे। सो हियर कम्स द टी फ्रॉम वो जो टी स्टॉल है। हाय सानवी, सानवी फिर से है, देखो सानवी सर्विंग द टी, डोंट से दैट एटलीस्ट ऑन द वीडियो। सो सानवी कहाँ गई? हेलो सानवी, हेलो सानवी, यू बैठो। सो ऑलराइट, सो गाइस कैच यू लेटर एट सी यू एट हरिद्वार एंड देन प्रोबेबली टुवर्ड्स द ऑनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स दिल्ली। 40 डिग्री टेम्परेचर की तरफ अब हम बढ़ना शुरू हो रहे हैं थोड़ी देर में। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून। तो हम चल पड़े हैं हरिद्वार के लिए। दोस्तों यहाँ जो रोड है वो सिंगल रोड है, कई जगह आपको ऐसा भी दिखेगा कि जहाँ आपको सामने वाली गाड़ी को रास्ता देने के लिए डेड स्टॉप करना पड़ता है। बहुत केयरफुली ड्राइव करें। बाकी हम लोग चल रहे हैं, वी आर एंजॉइंग द ड्राइव, मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन्स और जहाँ पर टेम्परेचर एकदम बदल जाएगा। So viewers, welcome once again. Now we have arrived at Haridwar and this is what we, what is the name of this ghat? Is ghat ka naam hai Chandi ghat. और ये जब हम वहाँ से लैंसडाउन से चले थे तो अभी सीधा यहाँ रुके हैं। ऑल दो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं अभी अप्रैल में ये हाल है, आगे मई जून में क्या होने वाला है। क्लीनलीनेस इज़ वेरी मच देयर, नो डाउट अबाउट इट। और ये देखिए नीचे लोग पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं, एंड ये लोग मोटर बोट में भी राइड ले सकते हैं, हम नहीं लेंगे, हम तो खाली एक डुबकी लगा के और अपने ऑनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स दिल्ली स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद एक बार डुबकी लग जाए तो फिर ऑनवर्ड जर्नी जब स्टार्ट करेंगे और कहाँ बीच में रुकेंगे, लंच वगैरह कहाँ करेंगे, उस टाइम पे फिर मैं आपसे एक और बार बात करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, स्टे ट्यून, थैंक यू।
दोपहर का टाइम है और लैंसडाउन से जब से हम चले हैं, लैंसडाउन से कोई करीब 45 किलोमीटर्स, कोटद्वार से 50-60 किलोमीटर के करीब, हरिद्वार और हरिद्वार से 100 किलोमीटर और आगे आने के बाद हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेसवे पे ये यहाँ पर हमने लंच लेने का डिसाइड किया। ये जो स्पॉट है जहाँ हम लंच ले रहे हैं जिस रिज़ॉर्ट में, ये दिल्ली हरिद्वार के बिल्कुल मिड पॉइंट है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर्स ईदर साइड, चाहे वो इस स्पॉट से हरिद्वार आपको जाना हो या यहाँ से आपको दिल्ली आना हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार रुके हैं, मैं तो खैर पिछले 10-12 साल से हॉल्ट लेता आ रहा हूँ यहीं पर ही। सो बट एनी विच वेज, सिंस वी टुक अ हॉल्ट हियर, द फूड इज़ गुड, कम्फर्टेबल जगह है, एयर कंडीशन है। लोकेशन का नाम जो है, इट इज़ मूलचंद रिजॉर्ट्स। ये आपका दिल्ली, लाइक आई मेंशन, दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे पे एक मिड पॉइंट है। द फूड इज़ ओके, द फूड इज़ गुड, यू कैन एन्जॉय द क्यूज़ीन। उसके अलावा हमने डिसाइड किया था कि अब यहाँ पर बस लास्ट हॉल्ट लेंगे और उसके बाद सीधा अब हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली के लिए प्रोसीड करेंगे। और होपफुली यहाँ से अबाउट 2.5-3 आवर्स की जर्नी और आगे होगी। रोड्स अच्छी हैं, जो एक समय में हुआ करता था हरिद्वार दिल्ली सिंगल लेन था, बट अब फार बेटर है, इट इज़ अ प्लेजेंट ड्राइव। दो गाड़ियाँ हमारे साथ हैं, हम लोग हैं, बट वी आर एंजॉइंग एनी विच वेज।